सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मुझसे कैसे मिलोगे? और हाँ, घंटी जरूर दबाना। टडंग टडंग टडंग, शिमला में 200 तो मनाली में 2000। हाय गाइस, आई एम प्रियंका और आज मैं करने वाली हूँ 24 आवर्स चैलेंज, जहाँ पे मैं खाने वाली हूँ दिन और रात, सुबह और शाम सारा का सारा खाना सिर्फ 2000 रुपए में, वो भी मनाली में। सो कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड। इट्स ब्रेकफास्ट टाइम गाइज, और ब्रेकफास्ट करने के लिए मैं आ गई हूँ जॉनसन्स कैफे, जिनका जॉनसन एंड जॉनसन से कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए भाई, भूख बहुत लग रही है, सुबह सुबह का टाइम है, जल्दी से चल के ब्रेकफास्ट करते आ जाइए। सो गाइज, माई ब्रेकफास्ट इज हेयर एंड यू वोंट बिलीव क्या ऑर्डर करा है। आप में से कभी भी किसी ने ये कैफे में ऑर्डर नहीं करा होगा, बट मैंने करा है। सो ये देखिए, यहाँ पे है मेरे पास पूरी भाजी, और ये फूली फूली तीन पूड़ियाँ, और ये देखो, अरे वाह, भाजी में तो मटर भी पड़ी है, और इसके साथ यहाँ पे है मेरे पास वाटरमेलन जूस। पता है इसका जो इन्होंने मेन्यू के अंदर डिस्क्रिप्शन लिखा था ना, इतना अमेजिंग था, मैं बताऊँ क्या लिखा इन्होंने, अ माइल्डली स्पाइस पोटैटो करी विद फ्राइड पफ्ड इंडियन ब्रेड, यानी कि पूरियाँ। इसको देखते ही मैंने ऑर्डर कर दिया। ये तीन पूड़ियाँ मुझे कितने की पड़ी हैं? 350 रुपए की। अब ये एक पूड़ी मुझे कितने की पड़ी है, आप कैलकुलेट करना, कमेंट सेक्शन में मुझे लिखना। तो चलो भाई, अब जल्दी से ये मोटी मोटी फुली फुली पूड़ियों को खाया जाए। आहा, ये देखो क्या बात है, गजब की पूड़ियाँ है। सही है, बड़ा ही बढ़िया स्मोकी फ्लेवर आ रहा है इन पूड़ियों के अंदर। वैसे महंगी बहुत है, बट स्वादिष्ट काफ़ी है ये। अरे तुम कहाँ जा गए? किचन बंद है, मैं क्या खाऊंगा यही सुबह सुबह। प्लीज शेयर कर लो ना। अरे बाबा, मेरे पास ऐसी तीन पूड़ी हैं। तो अच्छा, तू एक पूड़ी खाएगा, बाकी दो मैं खाऊंगी। पक्का पक्का, डन। चलो भाई, शेयरिंग इज केयरिंग, जैसा कि बोलते हैं हम अपने फ्रेंड अभिमन्यु ने, इन्होंने मेरी बड़ी मदद करी कल का व्लॉग बनाने के अंदर। तो चलो मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगी, ठीक है? बस एक ही पूड़ी है, बस एक ही पूड़ी, एक ही पूड़ी है। वैसे मैं बताऊँ, घर में ब्रेकफास्ट में ना मैंने कभी पूरी सब्जी नहीं खाई। मेरे घर वाले देखेंगे ना तो बोलेंगे, घर में पूरी सब्जी कभी नहीं खाती हो, वहाँ जाके 350 रुपए की मनाली के अंदर तुमने पूरी सब्जी खाई। अरे इतनी जल्दी लिखाई चले जा रहा है। हाँ, मेरा वेट भी नहीं कर, मेरी लाइनें चल रही थी, और सारी खटखट खटखट पूरी खाई चले जा रहा है। क्या स्पीड में खा रहा है? बस हो गया अभी तुम्हारा, प्लीज जल्दी जल्दी मैं भी खा लूँ, नहीं तो ये सारी मेरी पूड़ियाँ गप 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 करके खा जाएगा। बस अब नहीं, अब नहीं। और वाटरमेलन जूस, ये शेयर करोगे? ये कर सकती हूँ मैं शेयर, तो इसको पी के देख। ये बस 250 रुपये में, 250 रुपये में बहुत स्वाद आया। 250 रुपये का, 250 रुपये में तो पता नहीं कितने सारे तरबूज मैं खरीद लेती हूँ। मैं बस एक गिलास ही जूस है। चलो चलो चलो, मेरे सारी पूड़ियाँ खा लोगे? मेरी सारी पूड़ियाँ खा गया, दिखाते दिखाते अब इतनी सी बची, चल जल्दी से खाती हो। ओके ओके, जल्दी खाती हो। सो गाइज, ब्रेकफास्ट तो बहुत ही बढ़िया था, पर इतना थोड़ा सा था ना, पता नहीं कहाँ डाइजेस्ट हो गया। तो चलिए अब चलते हैं लंच करने, जिसके लिए भाई मैं आ गई हूँ मॉल रोड। वैसे तो हर हिल स्टेशन पे मॉल रोड होती है, और ये है मनाली की मॉल रोड, जो कि बहुत ही सुंदर है। एंड देख रहे हैं कितना सारा टूरिस्ट यहाँ पे आया हुआ है। तो भाई आज की चैलेंज में ना पैसे बहुत सारे हैं, तो आज मैं आपको दिखाऊंगी मनाली का दी बेस्ट फूड। तो चलो भाई, अब जल्दी से लंच ढूंढते हैं, आ जाओ। इट्स लंच टाइम गाइस, और लंच करने के लिए मैं आ गई हूँ चॉपस्टिक, जहाँ पे मैं खाने वाली हूँ मेरा फेवरेट खाना, वो भी तड़का मार के, आ जाओ। सो गाइज, हमारा लंच आ गया है, और देखो मैंने क्या ऑर्डर करा है। यहाँ पे मैंने ऑर्डर करा है चॉपस्टिक स्पेशल सिज़लर, एंड देख रहे हैं इसमें कितने बढ़िया नूडल्स हैं, फ्रेंच फ्राइज है, और इसके अंदर टोफू है, पैटी भी टोफू की है, उसके साथ में यहाँ पे एक्स्ट्रा ग्रेवी भी मुझे दी गई है। साथ में यहाँ अभिमन्यु ने ऑर्डर करा है अपने लिए सुशी, जो 200 रुपये का, ये देखो देखो इनका सुशी, देखो कितना बढ़िया दिख रहा है। एंड ये ना, ये मेरे बजट में, मेरे चैलेंज में 550 रुपीज़ का है। तो चलो भाई, अब हम लोग अपना खाना चालू करते हैं। चलो चलो, तुम भी खाओ, तुम भी खाओ, चॉपस्टिक से खाना आता है।
क्या बात है भाई, हमारे दोस्त को चॉपस्टिक से खाना खाना आता है। वेरी नाइस वेरी। ये नूडल्स देख रहे हैं गाइस, ये हैंडमेड नूडल्स हैं। वो मार्केट वाले नूडल्स नहीं है कि बस पकाया बॉईल कर दिया और आपको दे दिया। हाँ? ये यहाँ के खुद के बने हुए नूडल्स देख रहे हो, कितने पतले हैं, बहुत ही बढ़िया है। बहुत बहुत अच्छे हैं। और इसका जरा ये जो पैटी है इसका भी डाइसेक्शन करें जरा भाई, कैसा है। ओह अच्छा, ये भाई ये वेजिटेबल पैटी है। यस करेक्ट, टोफू भी है साथ में, वेजिटेबल पैटी भी है। मतलब में बेस्ट चीज पता है, एक तो यार प्लस फ्रेंच फ्राइज भी फ्री में आता है। वैसे तुम्हें शेयर करना है क्या? हाँ, बट एक सेकेंड, एक हम लोग डील करते हैं। तुम मुझे एक सूजी दे दो, मैं तुम्हें एक फ्रेंच फ्राइज दे देती हूँ। श्योर, एक फ्रेंच फ्राइज में एक सूजी। अरे मेरा तो इतना महंगा ले रहे, तेरे एक फ्रेंच फ्राइज में एक सूशी आई थिंक बैठ जाएगी यार। तू क्या बोलते हैं, ये तो एक सूशी दे दी। अच्छा सुन, अब एक ना मजा देखना, ये तुम सूखी सूखी सूशी क्यों खा रहे हो? सूशी के ऊपर ये पहले वसाबी तो लगाओ। दिखाइए दिखाइए, ये दिखाइए दिखाइए, नहीं नहीं और लगाओ। ये वसाबी बहुत सारी लगानी पड़ती है, बहुत सारी लगानी पड़ती है। ठीक है, लगा ली तुमने, अब इसको डिप करो वहाँ सोया सॉस के अंदर। ये वसाबी बहुत अच्छी होती है, जापनीज चटनी होती है। एक बार में खा लेना पूरा। क्या हुआ क्या हुआ? करंट लग गया, करंट लग गया। क्यों, वसाबी तो बहुत अच्छी थी ना। गाइस अब इसके कान में से ना ऐसे बुप करके धुआं निकलेगा। हैराम, इसकी तो सच्ची आंखों में से पानी आ गया। सॉरी 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 सॉरी। अच्छा नहीं था क्या? इन्होंने लगता है इन्होंने एकदम असली वसाबी दे दिया है। ओह मुझे नहीं पता था। अच्छा अगर मेरी सॉस पी सकता, तू सॉस पी सकता है? तूने मुझे एक सूशी दी है, उसके बदले में अब तू देख ये क्या दे रहा। हां अरे ये कौन सी चटनी डालने जा रहा है? अरे भैया ये कल मैंने खाई थी, बहुत तीखी है, मेरे नूडल्स खराब कर दिए। चल तूने इतनी बढ़िया बढ़िया वसाबी खाई है तो मैं तेरे नाम पे तेरे लिए मैं यही खाऊंगी। मेरे सारे नूडल तीखे कर दिए तूने। बल्ला लेने में एकदम एक्सपर्ट है। वैसे गाइस हम दोनों की चटनियां तो बड़ी तीखी निकली, बट अगर आप कभी भी मनाली आ रहे हो ना, यू हैव टू विजिट चॉपस्टिक, क्योंकि इनका खाना पहली बात तो बहुत रीजनेबल है एंड इतना स्वादिष्ट है कि आप भी याद रखोगे कि मैंने आपको कौन सी जगह बताई है चाइनीज खाना खाने के लिए। ये शेयर करा है, मेरा सिजलर खा रहा है, आप लोग मत बोलना मैंने चीटिंग करी है। चीटिंग करता है। गाइस लंच तो बहुत ही बढ़िया था। यहाँ मॉल रोड पे घूमते घूमते ये देखो मुझे क्या दिखा है, पानी पूरी। वैसे ये जो पानी पूरी ना, इसको इन्होंने मॉस्किटो नेट में बचा के रखा है। बोलो भैया से पूछते किस लिए। अरे भैया ये मॉस्किटो नेट में रखा है मच्छरों से बचाने के लिए, इसको गिरने से बचाने के लिए? गिरने से बचाने के लिए। तो भाई यहाँ टेंट में मच्छर वच्छर नहीं है। ये जो मीनार इन्होंने लगाई ना, कहीं गुप से गिर ना पड़े, इसलिए मॉस्किटो नेट के अंदर एकदम टाइट बंद है। ठीक है, थैंक यू भैया। चलिए अब आगे घुमाती हूँ आपको, आ जाइए। इट्स स्नैक टाइम गाइस, और स्नैक्स खाने के लिए मैं आ गई हूँ दी कॉर्नर हाउस, जो कि मॉल रोड के कॉर्नर में ही लोकेटेड। और यहाँ पे मैं खाने वाली हूँ पहाड़ों की शान मोमोज मेरी जान। सो ये देखिए कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं ना, और ये है स्पिनच एंड चीज मोमोज के साथ ही में यहाँ पे मुझे दिया गया है ये चिली ऑयल। मैंने बोला था ना मोमोज में सिर्फ कैबेज नहीं भरी होती है, आज मैं प्रूफ करके दिखाऊंगी आपको कि मोमोज में और भी चीज़ें भरी जा सकती हैं। ये देखो आहा, इसमें लगाती हूँ मैं थोड़ा सा चिली ऑयल। ओहो, और हाँ ये मुझे 250 रुपीस के पड़े हैं, तो चलो देखते हैं कि कैसे हैं। चिली ऑयल बहुत ज़्यादा हॉट है। देखो बाबा हाँ, इसमें बढ़िया स्पिनच और चीज़। वैसे ये बताऊँ इतनी ज़्यादा माउथ वाटरिंग, और जब आपने चिली ऑयल लगाया ना तो स्वाद सातवें आसमान पे पहुँच गया है। एंड इनकी कवरिंग भी बहुत ही थिन है। हाँ गिर गया मैं मोमो, गिर गया।
सो गाइज इट्स डिनर टाइम और डिनर करने के लिए मैं आ गई हूँ पिज्ज़ा ऑलिव एंड यू वोंट बिलीव दिस कैफे इज सो ब्यूटिफुली डन और यहाँ से जो व्यू आता है ना इट्स मेस्मराइजिंग. वैसे ना मुझे रात हो गई यहाँ आते आते, आई थिंक मुझे यहाँ पे लंच टाइम में आना चाहिए था तभी ना मैं इतना ब्यूटिफुल व्यू इन्जॉय कर पाती, बट कोई बात नहीं कभी नेक्स्ट टाइम आऊँगी. सो ये देखो मैंने कौन सा पिज्ज़ा ऑर्डर करा है. ये है वेजी पिज्ज़ा विद लोड्स एंड लोड्स ऑफ टॉपिंग. सो यहाँ पे स्पिनच है, जिकनी है, मशरूम है, बेल पेपर्स है, अनियंस हैं. तो चलो आई एम सो एक्साइटेड टू ट्राई दिस. एंड पता है ये पिज्ज़ा मुझे कितने का पड़ा है? 600 रुपीज़ का. कोई बात नहीं, अब ना मेरे सारे पैसे ख़त्म हो चुके हैं, बट कोई पहले मैं पिज्ज़ा खाऊँगी. लो ओहो ऑल राइट, थिन क्रस्ट पिज्जा है ये. देखो देखो कितना ब्यूटीफुल है ना. ऑल राइट, सीरियसली बहुत ही गुड है. तुम ही खाओगे मेरे पिज्जा में से? शेयर करोगे? हाँ सीरियसली, अरे इतना सा तो पिज्जा है मेरा. अच्छा एक एक, एक चीज़ मानोगे मेरी प्लीज? देखो मेरे इस पिज्ज़ा के अंदर ना सारे पैसे खत्म हो चुके हैं, मेरे चैलेंज के 2000 रुपये सारे खत्म हो गए. तुम ना तुम मुझे डिजर्ट खिला देना प्लीज. खिलाएगा? सीरियसली? थैंक यू सो मच. सो गाइस डिजर्ट टाइम होगा, बहुत बढ़िया अभी मनु की तरफ से, क्योंकि मेरे सारे पैसे ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं. चलो मैं पिज्ज़ा इन्जॉय करती हूँ. वैसे पिज्ज़ा ना बहुत ही बढ़िया बना, एकदम थिन क्रस्ट है और बाहर से एकदम क्रस्टी क्रस्टी है और अंदर से एकदम मशी मशी है. क्यों है ना एकदम मश मश है. इट्स डिजर्ट टाइम गाइस और डिजर्ट पता है मुझे एकदम फ्री में पड़ी है. पता है क्यों? क्योंकि ये स्पॉन्सर करी है मेरे फ्रेंड अभिमन्यु ने. सो भाई ये देखो क्या खा रही हूँ मैं. देखो अभी रुको, अभी मत कटो जल्दी. देखो गाइस ये तिरामिसु जो कि बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही है एंड अभिमन्यु से रुका नहीं जा रहा है. वो देखो खाने के लिए एकदम उतावला हो रहा है. चलिए भाई काटिए, मैं भी तो खाऊंगी. ये क्या करा? बस हो गया इतना ही. हाँ? बस मुझे इतना से दिया है. ये कैसी स्पॉन्सरशिप है तुम्हारी? मैंने शेयर करने के लिए बोला था इतना ही शेयर. पर तुमने तो मेरा इतना सारा पिज्जा खाया. एक स्लाइस खाया है. तो एक स्लाइस में एक स्पून नहीं, कम से कम 4 स्पून तो दे दो. आधी दे दो, आधी आधी आधी. ये देखो इतनी सी दी है मुझे, फुल स्पून भी नहीं है तो आधा स्पून दिया है. पिज्जा का एक स्लाइस और मेरा तिरामिसू का एक स्लाइस. इतनी सारी तुम नहीं खा पाओगे, मोटे हो जाओगे. तुम तो बहुत डाइट कॉन्शियस हो ना. प्लीज तिरामिसू मेरा फेवरेट है, तिरामिसू मेरा फेवरेट है. अरे मुझे थोड़ा और दे देना ना. चलो पहले इतना खाती थी, उतनी जल्दी में खा मत जाना तुम सारा. हाँ धीरे धीरे खाना. ओ माय गॉड क्या तिरामिसू बनाया सच्ची. मतलब मनाली में ना दिस वाज दी बेस्ट डिजर्ट जो मैंने अभी तक खाई है. क्यों, कैसा लगा? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है क्या? माउथ मेल्टिंग. बहुत बढ़िया है ना, इसको पता ही नहीं चला गाइस. बहुत बढ़िया. तो चलो भाई अब मैं अपनी डिजर्ट इंजॉय करती हूँ और आपको मिलूंगी अगले वीडियो में. बाय. और लाइक और शेयर करना मत भूलना. वैसे तुम्हें कुछ पता नहीं चला ना तुमने. आत्मा से तृप्ति हो गई. बहुत ही अमेजिंग है. फ्री में तो और भी अमेजिंग है.